लास्ट टू लास्ट फ्लोर में बोला था कि भाई हम घर बैठ गए वो करके, क्या कहते हैं, सारे प्लान करके, मतलब हम कहीं घूमने नहीं गए बट हम घूमने जा रहे हैं आज। और अभी मैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं घूमने, बट लंबा ट्रिप है बहुत। मैं थोड़े दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ब्लॉग थोड़े आगे से चलते थे, इसलिए ब्लॉग हो ही जाता है आगे, अपने पता नहीं कैसे समझ नहीं आता। तो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में बोला था कि भाई हम घर बैठ गए वो करके, क्या कहते हैं, सारे प्लान करके, मतलब हम कहीं घूमने नहीं गए बट हम घूमने जा रहे हैं आज। और अभी मैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं घूमने, बट लंबा ट्रिप है, बहुत मज़ा आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से, भाई क्या ही बताऊँ, बट नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट हो रही है। अभी मैं उठ गया, तो मैं जल्दी सो गया था रात को, थोड़ा सा मतलब ये मैं सो गया था 1:30-2 बजे करीब आराम से, तो अभी 1:15 में उठ भी गया, पता नहीं अपना नींद खुल गई, मतलब क्योंकि ना मेरे को बैग पैक करना, ना बैग पैक नहीं करा अभी तक, मेरे को अपना वो भी करना है, बाल बाल कटवाने जाना है, पूरा पूरी ग्रूमिंग सेशन वो सब, मतलब इतने एक्साइटमेंट हो रही है भाई, इतने टाइम बाद। मतलब मैं लास्ट घूमने गया था वैष्णो देवी ने, इसके बाद वहाँ भी गया था देहरादून गया था उसके बाद, और हाँ मैं देहरादून के बाद में कहीं नहीं गया, वैष्णो देवी साथ चला गया था मैं, मतलब 6-7 महीने बाद में घूमने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट हो रही है। और मैंने जब ब्लॉगिंग डेली ब्लॉग स्टार्ट करा था ना, तो मैंने सबसे सबसे पहले शायद वही वाला ब्लॉग डाल था कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को शायद याद नहीं था, मतलब जितना मेरे को याद है मैं सबसे बता रहा हूँ। अभी मैंने भैया से पूछा कि भैया कितना बजे आ जाऊँगा बाल कटवाने, तो उन्होंने बोला अभी 2 लोग हैं, 11:15 तक आना है, इतने समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, अभी बैग पैक भी नहीं कर सकता, बैनर सो रहा है, मेरे कपड़े उसी रूम में हैं, तो कपड़े निकाल नहीं सकता, मतलब हम जिस जगह जा रहे हैं ठंड बहुत है, तो बहुत ठंडा मज़ा आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल भाई, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, इस क्या ही बताऊँ। तो दूसरी चीज़ ये कि मैं बात ही बोली, हाँ एक्सरसाइज कर लूँगा, फ्रेश व्रेश होकर थोड़ी सी एक्सरसाइज, और हाथ का ये जो है ना जो यहाँ दिक्कत हो रही है, ये इसको डॉक्टर को दिखा के आ चुका, उन्होंने बोला कुछ इंजेक्शन सा लगेगा इसमें, वो हो जाएगा ठीक है, इसको डरने वाली बात है नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे दर्द है, जैसे इसको हम पूरा ऐसे सहारा लेके कुछ करता हो ना, ऐसे मतलब इसमें प्रेशर पड़ता है तब दर्द आता है, तो देखते थोड़े एक्सरसाइज भी कर लूँगा ना, आज पहले दिन से एक्सरसाइज भी नहीं करी, शुरू हुआ मज़ा आ जाएगा भाई, बस क्या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया घूमने जाने की। मेरे ब्लॉग थोड़े आगे चल रहे हैं, और जब मेरा ब्लॉग आएगा ना, तो मैं शायद या तो घूम रहा हूँ या तो मैं आने वाला हूँ, ऐसे मतलब आ चुका हूँ या तो मैं घूम रहा हूँ, मतलब कहीं घूम रहा हूँ, पहले ही है, मतलब एंड चल रहा होगा हमारे ट्रिप का, फटाफट से उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एक्साइटमेंट लेवल भाई हूँ मेरे ना, कसम से बता रहा हूँ 200-300% हो चुका है, इतनी खुशी हो रही है ना, मैं कभी इतनी खुशी से ना उठा नहीं आज तक, मतलब उठा तो बहुत बार ऊपर, आज वाली नेक्स्ट लेवल खुशी है, बहुत तगड़ी। मेरे को भाई लेना है पावर बैंक चार्जिंग पे, उन्होंने मुझे पता नहीं है कहाँ है पावर बैंक, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, यहीं कहीं था यार, शिट तो भाई यार, एक तो ना मुझे पता नहीं है, रखा है वो, रखा तो रह गई था वो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिप की, पूरे पावर बैंक लेके जाना, अच्छा चार्जिंग में एक पॉइंट कहाँ से बैटरी पर जिसमें हो जाएगी कुछ घंटों में, वो तो मुझे मैं सामान लेने गया ना, मेरे को याद आ गया पावर बैंक लगाना है, अभी मैं शायद जा रहा था नीचे करने सामान लेके दूसरे रूम में, तो मुझे याद आया पावर बैंक लगाना, लगा दिया, जो चीज़ आती है सब करते जाओ। मतलब मैंने ऐसा लग रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कर रहा हूँ, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है अजीब सा, और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है घूमने की, बट मैं एक्सरसाइज तब भी कर रहा हूँ, पहले तो मैं पेट के से नहीं कर पाया, अब हाथ के से नहीं कर पाया, बट अब ठीक है थोड़ी थोड़ी करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो भाई सीन ऐसा है कि ना एक्सरसाइज तो हो चुकी है, मतलब ज़्यादा सेट नहीं करे, मैं 2 ही सेट करे हैं, क्योंकि बहुत मतलब अर्जेंट काम आ गया,
अब ये नहीं पता कि मैं नहा के जाऊँगा उस काम करने या बिना नहा जाऊँगा, जैसे भी जाऊँगा अभी फटाफट मेरे को जाना है पहले बैंक, उसके बाद जाना है मतलब जो काम है उस जगह पे, मतलब बहुत तेज़ी में काम चल रहा है और मेरे को शाम को घूमने भी निकलना है, मेरी पैकिंग भी नहीं, कुछ नहीं काम हो रखा मेरा, अभी फटाफट से वो काम करने जा रहा हूँ। दो ही साइड और मतलब एक्सरसाइज भी ना मतलब ऐसे हुई है, एक अभी हुई तो एक 5-10 मिनट पहले, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन और इधर से मैसेज वैसेज हो रहा सब कुछ, फटाफट ऊपर जाता हूँ अभी, पहले बैंक जाऊँगा फिर देखता हूँ आगे कि नहाऊँगा या कैसे जाऊँगा, जैसे भी अगर टाइम के हिसाब से देखते हैं, बस हो जाए भगवान का काम, मज़ा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। तो भाई मैं हो चुका हूँ मतलब रेडी, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, जीन्स चेंज कर लिए और टी शर्ट, और मतलब कि मैं बैंक से तो आ गया था, वो दिया है मुझे काम था, वो मिलेगा 11 बजे। और दूसरी चीज़ की बात, हाँ मैं नहाया नहीं, मैं लग रहा होगा कि मैं नहा लिया, इतना सुंदर हूँ मैं, बट नहाया नहीं मैं, क्योंकि मेरे को पार्क कराने जाना था, इसलिए मैं सोचा कि यार क्या ही नहाऊंगा, पैकिंग कर लूँगा घर आके वापस, अभी 11 बजे जाऊँगा, आने का नहीं पता कितने जगह, 2 बज सकते हैं, 1:30 जितने भी पता, जल्दी काम होगा तो और भी ठीक है, नहीं तो देखते जैसे भी होगा। अब फटाफट 2-4 मिनट में निकलता हूँ, मैं जाऊँगा स्कूटी से, गाड़ी से जाऊँगा नहीं, क्योंकि रस्ते मिलेगा जाम, दूसरी मेट्रो से नहीं जाऊँगा, मेट्रो से लंबा पड़ेगा, स्कूटी सबसे बेस्ट है, छोटी पड़ेगा रास्ता, छोटा पड़ेगा। अभी समझ आ रहा है कि जैकेट पहन के जाऊँ या नहीं, अभी डिसाइडेड नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और मेरे से जाएगा शहर तक, उसको मैं बोल रहा हूँ तैयार हो जाओ, जिम से आ गया, सब कुछ हो गया रेडी फटाफट फटाफट, और बस हाँ यही काम है, मेरे को याद नहीं जा रहा क्या क्या बोलना है, समझ नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट पूरी हो रखी है इस टाइम पर। भाई फाइनली हो गया काम पूरा, 11 बजे होना था और 11 के ना अभी बज गए 11:30 यहीं पर ही, पहुँचते 12 घर आते थे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, और कुछ काम नहीं रखा मेरा, पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं, सब करना है। अंकल जी आपका सामान है थोड़ा सा टालो प्लीज़, धन्यवाद अंकल। तो भाई सीन ऐसा है कि ना अपना काम हो गया, करने घर जाके पैकिंग, अभी टाइम तो आ रहा हूँ, टाइम चेक करिए एक बार, यहाँ टाइम हो रहा है 12:30, इसमें आ गया स्कूटी में 12:30 हो रहे हैं, अभी घर जाऊँगा फटाफट पैकिंग करूँगा फिर जाऊँगा, 4-4:30 करीब जाना मेरे को, बाल कटाना, भैया कह रहे हैं कितने बजे आई हो, वो चले जाएंगे पता नहीं कहीं जाना है, इस सिस्टम में अपना कुछ काम नहीं हुआ, अरे मैं नहाया भी नहीं अभी, तो नहाना भी है मेरे को घर जाके, बहुत काम है सिस्टम से, बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है मेरा आज, अब चिकलता सीधा फटाफट से घर, मास्क भी कर लूँ पहले मैं। Hey guys, ये जा रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, गाइस ये जा रहे हैं कहाँ पर, फ्रेंड्स और एक जगह और, भगवान का मजाक उड़ा गया नहीं भगवान का नहीं, गलती से ना मैंने नौजा में इसे ऊपर पकड़ लूँ, ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, बड़ा भारी है तो, ये मैम बहुत अच्छी क्वालिटी है, इस पर बैठ भी सकते हो, इसको ले जाओ आप बंद कर रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम तो सब भाई जैकेट तो वो जैकेट करो, बैग तो निकाल लिया, अब जैकेट समझ, अरे उठ क्यों नहीं रहा, इतना उठता है क्या जी, हटा ना जैकेट, समझ नहीं आ रही कौन सी लग रहा है, मम्मी जो मैंने पापा को जैकेट दी थी ब्लैक वाली वो कहाँ है, किसी को ऐसा समझ भी नहीं आएगी जिस हिसाब से तूने सामान भरा हुआ है, जो ब्लैक वाली जैकेट थी वो कहाँ है, बेड में, अब चेक कर लो वो मोटी वाली है या येलो वाली, येलो वाली जाता हूँ, अरे ये ठीक रहेगी, फटी तो नहीं, निकालियो ये ठीक है ना जैकेट, बहुत काम बोलता है, अरे ये मत निकाल, ये निकाल ना, ये वाली जैकेट लेके जाऊं, इसे निकालनी पड़ेगी, दिख रहा भी रहा है अंधेरे में, दिख रहा भी रहा है, और तेरी वीडियो में भी कुछ नहीं आ रहा, अरे सब आएगा, वाइड एंगल कैमरा है ब्रो, ये देखिए जैकेट लेके जाऊं, कौन सी है ये, निकाल के देखिए, मुझे भी नहीं पता ऐसा कौन सी है, यहाँ से खुलेगी, तूने मेरे बहुत खून भी रखे हैं, और तूने मेरे, ये लेके जाऊं, ये वाली लेके जाऊं, ये है कौन सी वाली, ये कितनी वार्म है, ये आई कहाँ से जैकेट पर, नई जैकेट है ये, पर मैं सोच रहा हूँ तो सारी तेरी जैकेट है, वैसे तुमने भी जैकेट रखवाई थी, पहन के देखी तेरी तो नहीं है,
मुझे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है मेरे आएगी नहीं। तेरी है या मेरी है? ऐसा लग रहा है पापा की जैकेट पहन ली तुमने, बहुत गर्मी लग रही है। ये जैकेट मेरी है और ये लड़की कह रही है इसकी जैकेट है कुछ भी। अरे मैं इसको मैंने मंगाई थी 4000 रुपए। अरे चल ये बता मेरे को कि मैं गर्म कपड़े पहनूंगा कैसे, तो आएगी नहीं मेरे यहाँ से टाइट हो रही है तो गर्म कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको पहनना वार्मर पहन लो और जैकेट पहन लो सीधा ऊपर। हां तू हिसाब देख लियो। ये वाली लेके जाऊं, ये भी वार्म है, ये कम वार्म होगी, ये ज्यादा वार्म है। पर मैं सोच रहा पजामा पहनूंगा, मान लिया ब्लैक कलर का, मैं तो पूरा ब्लैक आदमी बन जाऊंगा। तो क्या हो गया? ब्लैक कोबरा बन जाऊंगा। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कपड़े लेके क्या क्या जाने। एक तो ये टी शर्ट खराब होगी यहाँ से, पता नहीं इसमें क्या तो लग गया, मम्मी को बोलना पड़ेगा क्या लगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने सारे कपड़े बिगाड़ दिए यहाँ बेड पे, इधर भी और मेरे को समझ नहीं आ रहा लेके क्या जाऊँ। ये तो जरूर लेके जाऊँगा, ये बढ़िया चीज़ है एक नंबर। और समझ नहीं आ रहा कपड़े किस दिन के, मतलब कितने दिन के हिसाब से लेके जाऊँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। पंखा चालू रहता है, मेरा पंखे काम करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो भाई पैकिंग हो चुकी है अपनी पूरी, सब कुछ हो गया, बस बाहर जाना है। 4 बजे जाऊँगा, अभी 2:30 बज रहे हैं। और जो अपना वो काम था जिस काम से मैं कहता वो जल्दी फ्री हो गया, 12:30 तक पूरा काम हो चुका है। इस बात करते हैं इस लॉग को, ये पेरेंट्स को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मैं बैठे कर गुड डे, जय हिंद। अमोक सैनिंग ऑफ।